पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीथ गियर आर यूज्ड एज ट्रांसलेटिंग गियर टू कट मेट्रिक थ्रेड ऑन ब्रिटिश लेथ। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मेट्रिक थ्रेड अगर ब्रिटिश लेथ मशीन पर अगर हमें कट करना है तो उस समय कौन से कितने नंबर का ट्रांसलेटिक गियर यूज किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 100 टीथ के, दूसरा ऑप्शन है 127 टीथ के, तीसरा ऑप्शन है 140 टीथ के, या फिर चौथा ऑप्शन है 135 टीथ के। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ब्रिटिश लेथ पर मेट्रिक थ्रेड को काटने के लिए ट्रांसलेटिंग गियर के रूप में कितने टीथ गियर का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 127। और जो ट्रांसलेटिंग या फिर इसे स्पेशल गियर भी कहा जाता है, तो दो दो होते हैं, एक होता है जैसे इस क्वेश्चन का आंसर है 127 टीथ के, और दूसरा होता है 63 टीथ के, जो ट्रांसलेटिंग गियर के रूप में यूज करते हैं मेट्रिक थ्रेड अगर ब्रिटिश लेथ पे कट करना है, फिर ब्रिटिश लेथ पर मेट्रिक थ्रेड, इन दोनों का अगर उल्टा अगर कट करना है हमें थ्रेडिंग, तो उस समय इस ट्रांसलेटिंग गियर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटस ऑफ द डाटा कैन नॉट बी आउटपुट द इनपुट आउटपुट डाटा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सीएनसी मशीन के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन कि डेटा की कौन सी स्थिति इनपुट या फिर आउटपुट डेटा के लिए आउटपुट नहीं हो सकती है, कौन से मोड में ये सब नहीं हो सकता है, डाटा को आउटपुट या फिर इनपुट नहीं किया जा सकता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इन जॉग मोड में, या फिर एडिट मोड में, या फिर सिमुलेशन मोड में, या फिर चौथा ऑप्शन है द डाटा आउटपुट कैन नॉट बी डन इन अलार्म स्टेटस। मतलब सीएनसी मशीन में अगर अलार्म स्टेटस है तो उसमें या फिर कोई भी हम डाटा आउटपुट या फिर इनपुट नहीं कर सकते। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डाटा की कौन सी स्थिति आउटपुट या फिर इनपुट डाटा के लिए आउटपुट नहीं हो सकती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी द डाटा आउटपुट कैन नॉट बी डन इन अलार्म स्टेटस, मतलब डाटा आउटपुट अलार्म स्थिति में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पिच डायमीटर ऑफ M64 इंटू 6 मिलीमीटर स्क्वायर थ्रेड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि स्क्वायर थ्रेड का हमें पिच डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद आंसर बताने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखाएंगे किस तरह से कौन से फार्मूला से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया था कि पिच डायमीटर कैलकुलेट करना था जिसका साइज है 64 इंटू 6 mm पिच, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 58 mm, दूसरा 60 mm, तीसरा 61 mm, चौथा ऑप्शन है 62 mm, तो इसके आंसर आता है 61 mm। तो 61 mm किस तरह से आंसर आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले पिच डायमीटर का फार्मूला हमें यूज़ करना है, पिच डायमीटर इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है मेचर डायमीटर माइनस सिंगल डेप्थ इंटू पिच। यहाँ पर आप फार्मूला देख सकते हैं मेजर डायमीटर माइनस सिंगल डेप्थ इंटू पिच। तो मेजर डायमीटर क्या दिया है क्वेश्चन में, 64 का जैसे के वैसे रखेंगे, उसके बाद माइनस का सिंबल, और जो डेप्थ होता है स्क्वायर थ्रेड का, स्क्वायर थ्रेड का डेप्थ होता है 0.5 mm, और उसको मल्टीप्लिकेशन में 6 mm पिच जो दिया है क्वेश्चन में, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आता है इसका 3 mm, या फिर उसके बाद 64 से 3 mm माइनस करने के बाद हमारे आंसर आ जाता है 61 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ कॉलेट। तो जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक कॉलेट चक का डायग्राम दिखाया गया है, तो ये कौन से टाइप का कॉलेट चक है यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है डेड लेंथ टाइप, दूसरा ऑप्शन है ड्रॉ बैक टाइप, तीसरा ऑप्शन है पुश आउट टाइप, या फिर चौथा ऑप्शन है मास्टर कॉलेट विद इंटरचेंजेबल लाइनर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए कॉलेट चक का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ड्रॉ बैक टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर मल्टी स्टार्ट थ्रेड आर इज, मल्टी स्टार्ट थ्रेड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर इजी अलाइनमेंट, दूसरा ऑप्शन है फॉर क्विक ट्रांसमिशन, तीसरा ऑप्शन है फॉर इजी एंगेजमेंट, या फिर चौथा ऑप्शन है फॉर जनरल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि मल्टी स्टार्ट थ्रेड का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्विक, फॉर क्विक ट्रांसमिशन, मतलब जल्दी से ट्रांसमिशन पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए उस समय स्क्वायर थ्रेड का उपयोग किया जाता है, या फिर कोई भी जैसे भी कोई नट बोल्ट वगैरह उसे जल्दी से टाइट करना है, फिर जल्दी से ढीला करना होता है, तो उस समय भी मल्टी स्टार्ट थ्रेड का उपयोग किया जाता है। और इसी तरह की डेली क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे, और इसी तरह की डेली क्लास हम करवाएंगे एग्जाम होने तक। 6 नंबर का क्वेश्चन है, विच मोड इज यूज्ड फॉर 5 पोजिशनिंग माइक्रोन लेवल, ब्रैकेट में माइक्रोन लेवल दिया है, ऑफ द एक्सिस मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन हमारा सीएनसी मशीन के बारे में पूछा गया है कि एक्सिस मूवमेंट के 5 पोजिशन के लिए किस मोड का उपयोग किया जाता है माइक्रोन लेवल पर। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऐटो मोड, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीमेंटल जॉग मोड, तीसरा ऑप्शन है एमडीआर मोड, या फिर चौथा ऑप्शन है एडिट मोड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि एक्सिस मूवमेंट की 5 पोजीशन ब्रैकेट में माइक्रोन लेवल,
के लिए किस मोड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीमेंटल जॉग मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टूल टू कट अ स्क्वायर थ्रेड ऑफ 60 × 9 mm पिच। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि विड्थ हमें स्क्वायर थ्रेडिंग करना है जिसका साइज दिया गया है 60 mm × 9 mm पिच। तो 9 mm पिच के लिए स्क्वायर थ्रेड का विड्थ कितना होगा, मतलब चौड़ाई कितनी होगी स्क्वायर थ्रेडिंग करते समय 9 mm पिच के लिए थ्रेडिंग टूल का। इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है 4.5 mm, दूसरा ऑप्शन है 9.5 mm, तीसरा ऑप्शन है 9 mm और चौथा ऑप्शन है 8.5 mm। जो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि 60 × 9 mm पिच स्क्वायर थ्रेड के लिए स्क्वायर थ्रेडिंग टूल का विड्थ कितना होगा, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, 4.5 mm। 4.5 mm क्यों, किस लिए? क्योंकि जब भी हम कभी भी स्क्वायर थ्रेडिंग करते हैं तो इसका जो कटिंग टूल का जो साइज कैलकुलेट करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाई टू, मतलब जो भी पिच दिया जाएगा उसे डिवाइडेड बाई टू करेंगे। तो जैसे 9 mm पिच दिया गया है इसे हम डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 4.5 mm। इस तरह से स्क्वायर थ्रेडिंग करते समय कटिंग टूल का विड्थ कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉइंट इन एनी सीएनसी मशीन द पोजिशन मेजरिंग सिस्टम हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट टू इच एक्सिस। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सीएनसी मशीन के बारे में पूछा गया है कि किसी भी सीएनसी मशीन में किस बिंदु पर स्थिति मापन प्रणाली में प्रत्येक अक्ष के लिए एक प्रारंभिक बिंदु होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वर्क जीरो, दूसरा ऑप्शन है टूल ज्योमेट्रिकल वैल्यू, तीसरा ऑप्शन है मशीन जीरो या फिर चौथा ऑप्शन है रेफरेंस मोड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि किसी भी सीएनसी मशीन में किस बिंदु पर स्थिति मापन प्रणाली में प्रत्येक अक्ष के लिए एक प्रारंभिक बिंदु होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मशीन जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग आइडलर गियर इन अ सिंपल गियर ट्रेन। तो सिंपल गियर ट्रेन में जो आइडलर गियर होते हैं तो सिंपल गियर ट्रेन में आइडलर गियर ट्रेन उपयोग करने का क्या फायदा है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है अफेक्ट गियर रेशियो, मतलब गियर रेशियो के ऊपर कोई इफेक्ट करता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है डोज नॉट अफेक्ट गियर रेशियो, मतलब गियर रेशियो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता है, या फिर तीसरा ऑप्शन है चेंज द स्पीड, मतलब स्पीड को चेंज करने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है इजी टू एंगेज, मतलब एंगेज करना इजी होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि एक सिंपल गियर ट्रेन में आइडलर गियर का उपयोग करने का फायदा क्या है, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, डोज नॉट इफेक्ट गियर रेशियो, मतलब गियर रेशियो के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम कभी भी थ्रेडिंग करते समय पिच के हिसाब से गियर रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को ड्राइवर गियर से ड्रिवन गियर तक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए आइडलर गियर का उपयोग करते हैं, लेकिन गियर रेशियो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायमेंशनिंग सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लोकेशन एंड पोजिशनिंग ऑफ द स्पिंडल। तो ये भी क्वेश्चन हमारे सीएनसी मशीन के बारे में पूछा गया है कि स्पिंडल के स्थान और स्थिति के लिए कौन सी डायमेंशनल सिस्टम महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्सिस डेजिग्नेशन, दूसरा ऑप्शन है एनसी वर्ड, मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल वर्ड, तीसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड जी एंड एम कोड, और चौथा ऑप्शन है टेप प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि स्पिंडल के स्थान और स्थिति के लिए कौन से डायमेंशनल सिस्टम महत्वपूर्ण होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस डेजिग्नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैरामीटर विल डिसाइड द ड्राइवर एंड ड्रिवन गियर रेशियो टू कट थ्रेड ऑन लेथ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि लेथ पर थ्रेड काटने के लिए कौन सा पैरामीटर ड्राइवर और ड्रिवन गियर रेशियो का अनुपात तय करेगा। तो जब भी कभी भी हम थ्रेडिंग करते हैं तो सबसे जो कैलकुलेट करना पड़ता है गियर रेशियो, तो वो किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि गियर रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं तो किस बेस पर हम गियर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन मेजर डायमीटर ऑफ वर्क, मतलब जॉब के डायमीटर मेजर डायमीटर के हिसाब से, दूसरा ऑप्शन है पिच के हिसाब से, तीसरा ऑप्शन है रूट डायमीटर के हिसाब से जॉब के, या फिर चौथा ऑप्शन है थ्रेड के एंगल के हिसाब से। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि लेथ पर थ्रेड काटने के लिए कौन सा पैरामीटर ड्राइवर और ड्रिवन गियर अनुपात तय करता है, तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, पिच। पिच के हिसाब से ही गियर रेशो कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर टूल सिलेक्शन इन सीएनसी। सीएनसी मशीन में टूल सिलेक्शन के लिए पहला स्टेप क्या होता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टाइप्स ऑफ मशीन नीडेड, मतलब कौन से मशीन के ऊपर हमें काम करने उसकी जरूरत होती है, या फिर दूसरा ऑप्शन है वर्क पीस मटेरियल, मतलब जॉब का मटेरियल, या फिर तीसरा ऑप्शन है मशीनिंग ऑपरेशन, मतलब जो ऑपरेशन करना है उसके ऊपर, या फिर चौथा ऑप्शन कैपेसिटी ऑफ मशीन, मतलब मशीन की कैपेसिटी कितना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सीएनसी मशीन में टूल की सिलेक्शन करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टाइप्स ऑफ मशीन नीडेड, मतलब किस प्रकार की मशीन
के ऊपर हम ऑपरेशन करने वाले, इसके ऊपर डिपेंड करता है कटिंग टूल की सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ आइडलर गियर इन सिंपल गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन में आइडलर गियर का उद्देश्य क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है रेड्यूस गियर रेशो, मतलब गियर रेशो को कम करता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है ट्रांसमिट पावर बिटवीन ड्राइवर एंड ड्रिवन गियर, मतलब ड्राइवर और ड्रिवन गियर के जो पावर होते हैं इसे ट्रांसमिट करने का काम करता है आइडलर गियर, या फिर तीसरा ऑप्शन है रेड्यूस स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की स्पीड को कम करता है, या फिर चौथा ऑप्शन है इंक्रीज स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की स्पीड को बढ़ाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सिंपल गियर ट्रेन में आइडलर गियर का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसमिट पावर बिटवीन ड्राइवर एंड ड्रिवन, मतलब ड्राइवर से ड्रिवन तक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए बीच में आइडलर गियर लगा होता है, जो यही काम करता है कि ड्राइवर का पावर ड्रिवन तक ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या है, यही क्वेश्चन है पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टोटल प्रोडक्शन मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, तीसरा ऑप्शन है टॉलरेंस परमिशेबल मेथड, फिर चौथा ऑप्शन है टॉलरेंस परमिटेड मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि टीपीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज यूज्ड फॉर सेटिंग 60 डिग्री कटिंग टूल स्क्वायर टू द वर्क। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 60 डिग्री कटिंग टूल को वर्क पर स्क्वायर सेट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले गेज का नाम क्या है, जो डायग्राम में दिखाया गया है। तो डायग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जॉब है, ये हमारा सेंटर रिवॉल्विंग सेंटर है, ये हमारा सेंटर गेज है, ये हमारा कटिंग टूल है। तो जो डायग्राम में दिखाया गया था कि 60 डिग्री में अगर कटिंग टूल को जॉब के साथ सेट करना है तो उस समय कौन से गेज का उपयोग किया जा रहा है इस डायग्राम में। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्रू पिच गेज, दूसरा ऑप्शन है सेंटर गेज, तीसरा ऑप्शन है रेडियस गेज, और चौथा ऑप्शन है फिलर गेज। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि 60 डिग्री कटिंग टूल को वर्क पर स्क्वायर सेट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले गेज का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंटर गेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा जॉब है और ये कटिंग टूल है, ये जो बीच में वाला जो इंस्ट्रूमेंट है इसे बोला जाता है सेंटर गेज, जो इसका डिग्री है 60 डिग्री, कटिंग टूल को 60 डिग्री में सेट करने के लिए सेंटर गेज का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एबीएफ ऑन सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में एबीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक बार फीडिंग, दूसरा ऑप्शन है अवेलेबल बेसिक फीडिंग मैकेनिज्म, तीसरा ऑप्शन है एडवांस बायलेटरल फीड, चौथा ऑप्शन है ऑथराइज्ड बार फीड कंट्रोल। क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि सीएनसी मशीन पर एबीएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑटोमेटिक बार फीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ थ्रेड द एडवांसमेंट ऑफ मैटिंग पार्ट इन वन कंपोनेंट रोटेशन। क्वेश्चन को हम सिंपल कर देते हैं, क्वेश्चन में जो पूछा गया कि जो स्क्रू थ्रेड है वो हर एक रोटेशन में कितना दूरी तय करता है, जो दूरी तय करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कौन सा टर्म कहा जाता है, यही क्वेश्चन है पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पिच, दूसरा ऑप्शन है डेप, तीसरा ऑप्शन है हेलिक्स एंगल, चौथा ऑप्शन है लीड। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि एक पूर्ण रोटेशन में मेटिंग पार्ट के आगे बढ़ने को थ्रेड का कौन सा टर्म कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीड। जब भी हम कभी भी थ्रेड को एक रोटेशन घुमाते हैं तो जितनी दूरी तय करता है उसे बोला जाता है लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस टैपिंग। तो ये भी क्वेश्चन हमारे सीएनसी मशीन के ऊपर है कि एक्स एक्सिस टैपिंग का मान क्या है, टैपिंग करते समय जो एक्स एक्सिस होता है उसका वैल्यू क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है वैल्यू ऑफ द टैप साइज, मतलब टैप का साइज, दूसरा ऑप्शन है 0 पॉइंट, तीसरा ऑप्शन है नेगेटिव, या फिर चौथा ऑप्शन है पॉजिटिव। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि सीएनसी मशीन पर टैपिंग करते समय एक्स एक्सिस का मान क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एंगल अप टू एन एक्यूरेसी ऑफ 5 मिनट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो 5 मिनट की एक्यूरेसी पर एंगल को माप सकता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है विवेल गेज, दूसरा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन सेट, तीसरा ऑप्शन है वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर, चौथा ऑप्शन है एंगल गेज। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो 5 मिनट की एक्यूरेसी के साथ एंगल को चेक कर सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट एफेक्टेड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग रफनेस। रफनेस को दर्शाने का सबसे स्वीकृत तरीका क्या है, जो हमारा रफनेस होता है तो उसे अगर हमें दर्शाना है तो उसे दर्शाने का सबसे स्वीकृत तरीका कौन सा है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्रेड नंबर, दूसरा ऑप्शन है सिम्बॉल, तीसरा ऑप्शन है यूनिट, चौथा ऑप्शन है वेट।
जब भी हम कभी कोई भी रफनेस को हम दर्शाते तो किसकी सहायता से दर्शाया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा था, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेड नंबर। ग्रेड नंबर के हिसाब से रफनेस को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू टर्न अ टूल मूविंग इन टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड। टेलीस्टॉक ऑफसेट विधि में चलने वाले टूल की दिशा कैसी होती है, मतलब टेलीस्टॉक ऑफसेट के सहायता से अगर हम टेपर टर्निंग करते हैं तो कटिंग टूल जब मूवमेंट करता है, मूव होता है, तो उसकी दिशा क्या होती है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है परपेंडिकुलर द लेथ एक्सिस, मतलब लेथ एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर में चलता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है एंगुलर टू द लेथ एक्सिस, मतलब लेथ एक्सिस के साथ एंगल में चलता है, या फिर तीसरा ऑप्शन है पैरेलल टू द लेथ एक्सिस, मतलब लेथ एक्सिस के साथ पैरेलल चलता है, या फिर चौथा ऑप्शन है वर्टिकल टू लेथ एक्सिस, मतलब लेथ एक्सिस के साथ वर्टिकल पोजिशन में चलता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेलीस्टॉक ऑफसेट विधि में चलने वाले टूल की दिशा कैसी होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैरेलल टू द लेथ एक्सिस, लेथ एक्सिस के साथ पैरेलल में मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। स्क्रीन पर आपको जो डायग्राम दिखाया गया है, इसमें जो एक्स के रूप में दिखाए गए पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है लाइव सेंटर, दूसरा ऑप्शन है कैच प्लेट, तीसरा ऑप्शन है लेथ कैरियर, चौथा ऑप्शन है ड्राइविंग प्लेट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए डायग्राम में एक्स के रूप में दिखाए गए पार्ट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेथ कैरियर। क्योंकि हमारा जो जॉब आपको दिखाई दे रही है, जो हमारा जॉब है, दोनों जॉब एक जो जॉब है हमारा बिटवीन सेंटर में फिट किया हुआ है, और कभी भी बिटवीन सेंटर में जॉब को फिट करने के बाद उसे रोटेट करने के लिए कैरियर का उपयोग किया जाता है, जो स्क्रीन पर दिखाया गया एक्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोड्यूस अ स्केल फ्री सरफेस ऑन द कॉम्पोनेंट। क्वेश्चन में जो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा उपचार, मतलब हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया, कंपोनेंट पर एक स्केल मुक्त सतह का निर्माण करती है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्लेम हार्डनिंग, दूसरा ऑप्शन है केस हार्डनिंग, तीसरा ऑप्शन है नाइट्राइडिंग, चौथा ऑप्शन है इंडक्शन हार्डनिंग। तो जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया कंपोनेंट पर एक स्केल मुक्त सतह का निर्माण करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडक्शन हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन सेट इज यूज फॉर मेजरिंग द एंगल। एंगल को मापने के लिए कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रोट्रैक्टर हेड, दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर हेड, तीसरा ऑप्शन है सेंटर हेड, चौथा ऑप्शन है रूल। क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि एंगल को मापने के लिए कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोट्रैक्टर हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ द टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड। निम्नलिखित में से कौन सा टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड का डिसएडवांटेज है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पावर फीड कैन बी गिवन, मतलब पावर फीड इसमें दे सकते हैं तो ये हमारा डिसएडवांटेज नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है गुड सरफेस फिनिश कैन बी ऑप्टेन, मतलब इसमें से जब हम टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड से टेपर टर्निंग करते हैं तो अच्छी फिनिशिंग आती है। फिर तीसरा ऑप्शन है एक्सटर्नल टेपर थ्रेड कैन बी प्रोड्यूस, मतलब एक्सटर्नल टेपर थ्रेडिंग भी कर सकते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है ओनली एक्सटर्नल टेपर कैन बी टर्न, मतलब सिर्फ एक्सटर्नल टेपर ही टर्न कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड का डिसएडवांटेज है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओनली एक्सटर्नल टेपर कैन बी टर्न, मतलब सिर्फ हम टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड के सहायता से एक्सटर्नल टेपर ही टर्निंग कर सकते हैं, इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई टी इन लिमिट एंड फिट। लिमिट और फिट में आई टी का प्रतिनिधित्व क्या है, मतलब आई टी क्या दर्शाता है लिमिट और फिट में, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टॉलरेंस, टॉलरेंस दर्शाता है, या फिर टॉलरेंस का ग्रेड दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन है टॉलरेंस यूनिट दर्शाता है, या फिर चौथा ऑप्शन है टॉलरेंस नंबर दर्शाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि लिमिट और फिट में आई टी क्या दर्शाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टॉलरेंस ग्रेड। आई टी जो होता है टॉलरेंस ग्रेड दर्शाता है लिमिट और फिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन थ्रेड चेसिंग डायल मैकेनिज्म। तो स्क्रीन पर आपको थ्रेड चेसिंग मैकेनिज्म डायल डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है वर्म गियर, दूसरा ऑप्शन है लीड स्क्रू, तीसरा ऑप्शन है शाफ्ट, चौथा ऑप्शन है ग्रेजुएटेड डायल। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि थ्रेड चेसिंग डायल मैकेनिज्म में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेजुएटेड डायल। जो आपको स्क्रीन पर एक्स के रूप में दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है ग्रेजुएटेड डायल, इसके ऊपर मार्किंग किया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द कोड इज यूज टू रिवाइंड द प्रोग्राम। ये जो क्वेश्चन है हमारा सीएनसी मशीन के बारे में पूछा गया है कि प्रोग्राम को रिवाइंड करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी M30। M30 कोड किस लिए उपयोग करते हैं हम सीएनसी मशीन में प्रोग्राम को रिवाइंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंगल इज प्रोवाइडेड ऑन द मेट्रिक स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर एनविल। मेट्रिक थ्रेड स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के एनविल पर कितने एंगल का एनविल लगा होता है, कि जो एंगल एनविल होता है, एनविल हमारा एंगल में बना होता है, तो कितने डिग्री में बना होता है एनविल, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 47.5 डिग्री, दूसरा तीसरा ऑप्शन है 55 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि मेट्रिक स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के एनविल पर कौन सा एंगल प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट हैज दिस टाइप्स ऑफ मेजरिंग एनविल। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया कि किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इस प्रकार के मेजरिंग एनविल होते हैं, तो स्क्रीन पर आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये मेजरिंग एनविल का डायग्राम है। तो ये मेजरिंग एनविल कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में लगे होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है बॉल माइक्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है ट्यूबुलर माइक्रोमीटर, चौथा ऑप्शन है डिजिटल माइक्रोमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस यंत्र में इस प्रकार के मेजरिंग एनविल लगे होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड, इसके पहले का जो क्वेश्चन था कि जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होते हैं, इसके एनविल 60 डिग्री में बने होते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है ये एनविल 60 डिग्री में बने होते हैं, और जो एनविल आपका डायग्राम है ये हमारा डायग्राम है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का। इस तरह से आज की क्लास में हमने आपको इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, और इसी तरह की रेगुलर वीडियो के लिए या फिर रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे, और हम इसी तरह के क्लास आपको एग्जाम DRDO की एग्जाम होने तक करवाएंगे। और वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।